नमस्कार, मैं हूं मुनीश राजदान। आइए आपको आज लेकर चलते हैं जम्मू शहर के मोहमाया मंदिर में। ये बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। जब रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। आज हम अपने मित्र रामेश्वर जी के साथ और उनके परिवार के साथ इस मंदिर के दर्शन करने आए हैं। आज उनकी शादी की सालगिरह भी है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो मंदिर माथा टेकने आए हैं, माता का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर बंदर बहुत हैं, तो अपने सामान का ध्यान रखें, कोई भी सामान हाथ में ऐसे सामने ना रखें, बंदर एकदम खींच के ले जाते हैं। यहाँ पर आप कचालू की चाट खा सकते हैं, बहुत मशहूर है यहाँ पर कचालू की चाट, आएँ तो ज़रूर एक बार टेस्ट करें। यहाँ पे ही बाहर ही आपको पार्किंग में ही प्रसाद मिल जाएगा, प्रसाद लेके आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ से दृश्य देखिए कितना सुंदर दिखता है, बहुत ही सुंदर व्यू है। एक साइड पर तवी नदी का किनारा है और ये हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा पार्किंग से अंदर चलना पड़ता है, तो हम मंदिर की तरफ जाते हैं। मंदिर का इतिहास हम थोड़ा सा जानते हैं। जम्मू, अगर आपको जम्मू को वैसे ही सिटी ऑफ टेंपल्स कहते हैं, मंदिरों का शहर, लेकिन इस मंदिर पे आके आपको बहुत ही शांति मिलती है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत दूर दूर से लोग अपने मुरादें लेके आते हैं यहाँ पे और सबकी पूरी भी होती है जो सच्चे मन से मांगता है, सबकी मुरादें माँ पूरी करती हैं। ये मंदिर की एंट्री है, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के हमें अंदर जाना पड़ता है। बिल्कुल सामने ही पहले माता का मंदिर आपको दिखाई देगा। ये माता के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं आप। बाहर गणेश जी की मूर्ति है एक साइड पे, मंदिर के दोनों साइड शेरों की मूर्तियां हैं। ये अंदर देखिए, सबने अपने कपड़े बांधे हुए, अपनी अपनी मुरादें मांगते हुए। और एक साइड पे हनुमान जी की मूर्ति आपको दिखाई देगी और एक साइड पे गणेश जी की। इस मंदिर में और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। ये देखिए शंकर जी का मंदिर है। की मूर्ति है, ये नंदी जी विराजे हैं महादेव के मंदिर के बाहर। यहाँ शिव पार्वती की मूर्ति है मंदिर में, शिवलिंग है। बहुत ही शांतिपूर्ण जगह पर ये मंदिर है। देखिए साइड से, मंदिर के साइड से आप तभी नदी देख सकते हैं, साइड में नदी है। अभी हम शाम के टाइम आए हैं, थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है तो इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा, बहुत ही सुंदर दृश्य है। आसपास पूरा घना जंगल है इस मंदिर के। इस मंदिर में और भी मूर्तियां हैं, ये राधा कृष्ण की मूर्ति है यहाँ पे। माता के मंदिर के चारों ओर सब भगवान की
मूर्तियां हैं। यहां से वो अपनी गाड़ी देख सकते हैं, गाड़ी वहां खड़ी है हमारी, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, क्लियर नहीं दिख रहा है, वो हमारी सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है टावर के पास। ये मंदिर परिसर है, इसमें मंदिर के बैक साइड पे एक और मूर्ति है माता की। ये दुर्गा माता की मूर्ति है यहाँ। सरस्वती माता की मूर्ति है और ये राम दरबार है यहाँ। मंदिर के पास में यहाँ पर केबल कार भी चलती है। ये लक्ष्मी नारायण जी की मूर्तियां हैं। देता है यहां से अब मंदिर से हम बाहर आ रहे हैं, तो ये रास्ता यहां से जो है केबल कार की तरफ जाता है। यहां पर एक केबल कार का भी प्रावधान है। इस ये देखिए साइड में हमें तवी नदी दिखाई दे रही है और कितना ग्रीनरी है, कितनी हरियाली है चारों तरफ। यहाँ बस यही ध्यान रखना पड़ता है कि बंदर आपके हाथ से कुछ छीन के ना ले जाए, अपना कीमती सामान कृपया संभाल के रखें। अब मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पूरे जम्मू शहर को यदि एक नज़र में आपको देखना है तो महामाया मंदिर की ओर आइए। नीचे बल खाती तवी नदी, सामने हरि सिंह पैलेस और तवी के दूसरे किनारे पर मुबारक मंडी। खिलौना बस्ती सा नजर आता है पूरा जम्मू शहर। ऐसा अविस्मरणीय स्मरणीय नजारा जो शायद ही किसी कैमरे में कैद हो पाए। सर्दियों में यहाँ की गुनगुनी धूप और गर्मियों में ठंडी हवा के तेज झोंके श्रद्धालुओं को प्राकृतिक वातावरण में गुम होने पर मजबूर कर देते हैं। महामाया मंदिर जम्मू शहर के पूर्व की ओर तवी नदी के बाएं किनारे पर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। स्थानीय बोलचाल में इसे लोग मोहमाया मंदिर भी कहकर पुकारते हैं और महामाया मंदिर भी पुकारते हैं। बाहु फोर्ट से ये मंदिर 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महामाया मंदिर के आसपास का जंगल भी इतना घना हुआ करता था कि यहाँ पहुँचना बहुत ही कठिन था। कभी कभी कुछ श्रद्धालु जम्मू शहर के पूर्व की ओर से तवी नदी पार करके यहाँ आते थे। ऐसा विश्वास है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ एक समृद्ध राज्य चधारा नगरी के नाम से प्रसिद्ध था। उस जमाने में भी महामाया का मंदिर इसी स्थान पर था। विभिन्न कारणों से नारा नगरी के विध्वंस के बाद यह मूर्ति सैकड़ों वर्षों तक तभी किनारे के जंगलों में पड़ी रही। जब गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर के महाराजा बने तो उन्होंने जम्मू के आसपास कई मंदिरों, किलों तथा भवनों का निर्माण करवाया। एक दंत कथा के अनुसार महामाया ने महाराजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मेरी मूर्ति तवी नदी के किनारे कई 100 साल से पड़ी है, उसे वहां से उठाकर मंदिर में स्थापित करो। तो सुबह होते ही महाराज अपनी दरबारियों और सिपाहियों के साथ मूर्ति की तलाश में निकल पड़े। तवी नदी के किनारे जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा परंतु मूर्ति नहीं मिली।
तभी थक हार कर महलों की ओर सब लौट आए। महाराज परेशान थे कि क्या किया जाए। कुछ दिन बीतने पर देवी महामाया ने फिर स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और मूर्ति का पता बताया और उन्हें फिर से तलाश करने को कहा। इस बार माता ने उनको निश्चित स्थान भी बता दिया। माता के आदेशानुसार महाराजा ने मूर्ति की तलाश करके उसे मंदिर में स्थापित किया। 1986 में भारी वर्षा के कारण महामाया का मंदिर गिर गया और केवल माता की मूर्ति तथा मोहरे ही बाकी रह गए। उन्हीं दिनों राज्यपाल श्री जगमोहन जी ने इस इलाके का दौरा किया, माता की मूर्ति के दर्शन किए और आसपास के जंगलों में विकास कार्यों को शुरू करने के लिए कई योजनाएं बनाई। यात्रियों की सुविधा के लिए बाईपास से एक छोटी सी सड़क देवी महामाया के मंदिर में बनवाई और उस स्थान को अधिक आकर्षक बनाने के लिए उचित प्रबंध किए। मंदिर के चारों ओर बहुत बड़े इलाके में वृक्ष लगवा दिए ताकि इससे ये इलाका और सुंदर हो जाए। यात्रियों के ठहरने के लिए एक बड़े हॉल का निर्माण कराया गया। पास ही एक मंदिर महात्मा शंकर गिरिजी ने बनवाया है, जहाँ माता महाकाली की मूर्ति स्थापित की गई है। माता महामाया दरबार के भीतरी भाग को रंगदार शीशों तथा अन्य देवी देवताओं के चित्रों से सजाया गया है। यहाँ माता के पवित्र ज्योत दिन रात जलती रहती है। धूप दीप तथा फूलों की सुगंध से माता का दरबार महक रहा होता है, पर लौटते हुए प्रसाद जरा संभाल कर, क्योंकि यहाँ बंदर सचमुच नटखट हैं और अपने पराये का भेद नहीं जानते। कृपया अपने सामान का ध्यान रखें और इस बहुत ही सुंदर स्थान के दर्शन करें, यहाँ आके माता के दर्शन करें। जय माता दी।